अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ बटर चिकन। तो इसकी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 किलो चिकन, उसे अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च 1 चम्मच जिसमें ऐड कर दिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने मार्केट वाला यूज़ किया, आप चाहे तो घर पे बनाकर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, चुटकी भर फूड कलर लिया है, 1 बड़ा नींबू लिया है, उसका रस हम इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे, 1 बड़ा चम्मच दही ले लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अपने हाथों से और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, फ्राई पैन लेंगे, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे और फिर जो हमने चिकन में सारे मसाले मैरिनेशन के लिए रख दिया था उसके बाद हम इसे इसमें तेज आंच में रोस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर हम दूसरा मसाला इसका तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी और बटर का टुकड़ा लिया, उसको अच्छे से गर्म करके फिर मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के प्याज थे जो इन्हें इस तरह से लंबे लंबे काट लिए थे और 7 से 8 छोटी इलायची थी और एक साइड पर हमारा चिकन हो रहा है और एक साइड पर हमारे मसाले हो रहे हैं। तो इससे क्या है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, 20 से 25 काजू ऐड करेंगे और प्याज के बराबर ही हम टमाटर लेंगे, उसे भी इस तरह से काट के इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक का 1 चम्मच पेस्ट, उसके बाद नमक और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से नहीं पक जाता, जब तक इसे अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच नॉर्मल तीखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी तो मैं हरी मिर्ची नहीं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसे ढक के अच्छे से मसाले जब तक पक जाए, जैसे ये पक जाए, जैसे आप इसे ढक के धीमे आंच में मसाले कैसे पकते हैं आपको पता ही है, तो बस पकने के बाद क्या है, इसे ठंडा करके पीस लीजिए। फिर वापस से आप 1 चम्मच घी लीजिए और उसमें ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, 15 से 20 मिनट इसे पकने में लगे धीमी आँच में, उसके बाद हम अपना इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन में जो भी तेल है वो भी साथ में ऐड कर देंगे, 10 से 15 मिनट इसमें से ढकेंगे। उसके बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, कस्तूरी मेथी और उसके बाद फिर हम इसे 5 मिनट अच्छे से पका के उसके बाद आप इसे सर्व कर लीजिए। ऊपर से इस तरह से बटर का टुकड़ा और धनिया इस तरह से छिड़का दीजिए और फिर क्या, इसे इन्जॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।